दोस्तों नमस्कार, मैं वैद्य समीक्ष चतुर्वेदी और आपको आज मिलवा रहा हूँ अपने प्रिय पेशेंट प्रदीप जी से। दोस्तों आज हमारे पास मिलने आए हैं गाजियाबाद से प्रदीप जी, जो कि लाइकोमा की मेडिसिन काफ़ी समय से ले रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। मिलने के लिए आए थे, एक दो लाइकोमा इनको निकालना भी था, कुछ बड़ा लाइकोमा था तो ठीक होने में थोड़ा टाइम लग रहा था उसको, तो हम उनका लाइकोमा एक दो निकाले हैं। बाकी पूरा लाइकोमा काफी परसेंट ये इनका पूरा लाइकोमा अंदर चला गया, दिखना बंद हो गया, और जो दिखना दिख रहा था जो एक दो, तो उसको हम निकाल दिए हैं, तो अभी लाइकोमा से बढ़िया फ्री हो गए हैं। तो दोस्तों हम कुछ बातें इनसे करेंगे ताकि आप लोगों को और उनसे जानकारी मिले, फायदा मिले और आप लोग उन चीजों को फॉलो कर पाओ। तो प्रदीप जी ये बताइए कि आपको लाइकोमा कब हुआ था और आपने उसके लिए स्टार्टिंग में कैसे कैसे क्या किया और मेरे पास आप इलाज कब शुरू किए उसके बारे में। सबसे पहले सर नमस्कार आपको, जी जी थैंक यू। देखने वाले सबको बात है कि जो सर आपकी दवा लेने से पहले आपकी वीडियो देखा हमने, जी जी और वीडियो को सर प्रॉपर फॉलो किया। ओके, तो आप दवा कब लिए थे इसका? दवा सर आपका दवा 2021 में लिए थे। 21 में, 22, 23 और 24 है ना, दवा चलती रही मतलब 2.5 साल से आप इलाज ले रहे हैं। और उसके पहले आपको हुआ कब था ये लाइकोमा? वही सर 18 में हुआ था सर। 18 में, तो उसके पहले कोई दवा वगैरह करवाए थे आप? होम्योपैथिक में सर करवाए थे 18-19। होम्योपैथी में करवाए थे, तो होम्योपैथी में कितने दिन लिए थे आप? वो भी सर 1.5 साल हो गया था सर जी। मतलब होम्योपैथी में 1.5 साल लिए थे, तो उसमें कुछ फायदा हुआ था थोड़ा बहुत कि कुछ नहीं पता चला नहीं था? सर कुछ पता नहीं चला सर जी, अच्छा, इसीलिए आपकी वीडियो देखी। तो मतलब मेरे बारे में कोई बताया था कि वीडियो वगैरह देख के पता चला था? नहीं सर जी, आपकी वीडियो 2019 में हम देख रहे हैं। अच्छा, 19 से देख रहे जब थे, से डिप्लोमा कर रहे थे सर जी तब से देख रहे हैं। अच्छा। तो फिर आपने दवा दवा मंगाई होगी यस सर जी। और ट्रीटमेंट जब शुरू की है तो कितने दिनों में आपको लगने लग गया था कि कुछ हो रहा है, बॉडी में बदलाव हो रहा है, लाइकोमा में कुछ फायदा दिख रहा है? सर हमको तो रिजल्ट सर 1 महीने में दिखने लगा, क्योंकि मेरे शरीर पतली होने लगी, पतला होने लग गया आप था, वीडियो में बोले हैं, आपकी वीडियो है पतला होता है, बॉडी पतला होता है, समझ लो कि लाइकोमा अंदर जा रहा है। जा रहा है, दवा मतलब काम कर रही है तो बॉडी पतली होने लगती है। यस सर जी। ऐसे क्या है, बहुत से लोग हैं जो इलाज शुरू करते हैं और पतले हो जाते हैं तो बोलते हैं सर हम तो पतले हो रहे हैं, तो ये स्वाभाविक बात है कि लाइकोमा के इलाज में हम ट्यूमर को कम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारा गुड जो फैट होता है, बॉडी का फैट होता है, वो भी कम होने लगता है, तो वो स्वाभाविक बात है, वो होगा ही। तो आपने कैसा क्या वर्कआउट किया, कैसी क्या डाइट रही, मेरे मेरे साथ ट्रीटमेंट करते रहे तो अपडेट आप कितने कितने दिनों में दे रहे हो मुझे, कैसे क्या कर रहे हो, तो क्या क्या करते हो आप ये बताओ। सर जी पहली बात सर आपको अपडेट तो 7 दिन में देते हैं, जी और योग सर 8 घंटा, हम 8 घंटा सर कपालभाति रोज करते हैं सुबह, अच्छा 15 मिनट अनुलोम विलोम सर, हाँ 8 घंटा कपालभाति, ओके। और स्टार्टिंग में सर हम रनिंग किए थे 3 किलोमीटर रोज। अच्छा, स्टार्टिंग में हर डोज तक चला है सर, पहला डोज, हाँ लेकिन आपने बंद कर लिया रनिंग, मतलब पहले 5 महीने तक आप रनिंग रेगुलर किए, फिर 5 महीने बाद दूसरा डोज मंगाया आप, तब रनिंग को मैंने मना कर दिया था आपको कि आप रनिंग मत करो, वॉक करो। वॉक कर रहे थे सर, हाँ हाँ अभी भी सर वॉक करते हैं 3-4 किलोमीटर रोज। जी जी और आपको मैंने घी भी स्टार्ट करवाया, मिठाई वगैरह भी स्टार्ट करवाई, पनीर वगैरह भी स्टार्ट किया, तो अब आपको वो करना है, वो सब चीज़ें यूज़ करना है। तो रिजल्ट आपको 1 महीने में मिलने लग गया था, और जो आपके लाइकोमा अंदर गए जो बाहर दिखाई देते थे बड़े बड़े होते थे, तो वो कितने महीने में आपको रिजल्ट मिला था? वो सर फर्स्ट डोज खत्म होने के बाद मतलब ही, 5 महीने में, हाँ 5 महीने में अंदर काफी चला गया था। मैं सभी से कहना चाहता हूँ सर कि हवड़ाएं जैसे धैर्य रखें, हाँ ध्यान हवड़ाएं रखें, नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, दवा धीरे धीरे काम करेगी आराम हाँ। से सर जी, देखो और प्रोसेस फॉलो करें। सबसे बड़ी बात यह है कि लाइकोमा का इलाज ऐसा है ही नहीं कि आप दवा ले लो और आप कुछ भी करते रहो, डॉक्टर से बात नहीं करो ना बताओ अपने बारे में कुछ भी, और कुछ भी कर रहे हो आप, क्या है आप खुद समझ गए होगे कि डॉक्टर की कंसल्टिंग, रेगुलर बात करना, रेगुलर अपडेट देखना कितना जरूरी है ना। ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है सर जी, रेगुलर बात कर रहे हैं, हाँ मतलब सर आप पर्सनल गाइड करें उनको। जी 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 तो हम तो बोलेंगे भाई जितने लोग हो सर की बात फॉलो करो और सर से बात किया करो, क्योंकि तुम पहली बात, पर्सनल गाइड कर रहे हाँ हैं सर। पहली बात तो उनको इतना समझना चाहिए कि कोई डॉक्टर ऐसा है कि आपसे पर डे बात कर रहा है, नहीं तो डॉक्टरों के पास टाइम नहीं होता है, डॉक्टर लोग बात नहीं करते हैं। और मैं आप लोगों के लिए कभी किसी शादी में नहीं जाता, किसी फंक्शन में नहीं जाता, किसी दोस्त यारी में नहीं जाता, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता मैं कि मुझे 24 घंटे मोबाइल में टाइम देना है, अपने अपने मरीजों को टाइम देना है। तो मैं आप लोगों के लिए, मैं अपनी लाइफ को मैं अकेले मतलब कहीं कुछ इंजॉय नहीं करता अपनी लाइफ में, फिर भी आप लोग अपडेट नहीं दे पाते हो, रेगुलर बात नहीं कर पाते हो, फिर काफ़ी प्रॉपर इलाज हो नहीं पाता है। तो मेरा भी सब लोगों से यही है बोलना कि देखो जैसे प्रदीप जी आए हैं मिलने के लिए, इनको फायदा हुआ, ठीक
ठीक हुए तो आराम से मिलने के लिए आए, इलाज करने के लिए आए, और एक दो उनके जो बचे हुए थे वो हम लोग निकाल भी दिए हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग भी ऐसा करो, अगर ठीक करना चाहते हो तो देख रेख में इलाज करो, रेगुलर बात करो। हालांकि अपने सब मरीज, अधिकतर मरीज समझ गए हैं कि सर से रेगुलर बात करना है, क्योंकि जितने भी लोग ठीक हुए हैं सबकी मैं चैट डालता हूँ पूरी, सब लोग देखते हैं कि चैटिंग सर जी रेगुलर चैट डालते हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि जो हमसे व्हाट्सअप के थ्रू वही बात कर रहा है या अलग तरीके से इलाज कर रहा है। सब व्हाट्सअप से इलाज करते हैं, और जैसा आपको बताता हूँ ऐसे इनको बताता हूँ, हर पेशेंट को वैसा ही बताता हूँ, कुछ अलग नहीं बताता। कुछ वो लोग बोलते हैं सर जी उनका ठीक हुआ तो उनको आपने क्या क्या बताया था, तो सबको एक सा है, बस बॉडी को देख के मैं डाइट बताता हूँ, बॉडी को देख के दवा ऊपर नीचे करवाता हूँ, और आपको वर्कआउट बताता हूँ। कोई मोटा है तो मोटे के हिसाब से, कोई पतला है तो पतले के हिसाब से, किसी का लाइफ में बड़ा है तो बड़े के हिसाब से, छोटा है तो छोटे के हिसाब से, बाकी रूटीन सबका एक सा होता है। तो आप सब लोग भी ऐसे ही करो, रेगुलर अपडेट करो, टाइम लगता है, धीरे धीरे ठीक होता है, जल्दी से ठीक नहीं होता है। और प्रदीप जी बताइए कि आप आए हो मेरे पास, कैसा लगा आपको मिलके, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर? बहुत बढ़िया सर जी, ऐसा डॉक्टर सर कभी कोई खोजने पे नहीं मिलेगा हमारा। इसके बाद सर जी आप जितना केयर किए हैं स्टेशन से यहाँ हमको ले गए हैं जी, और सर जो भी ट्रीटमेंट की बात करें सर जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। तो दोस्तों अब देखो हमने इनको हेयर का भी ट्रीटमेंट शुरू किया, अभी तक लाइकोमा का ट्रीटमेंट चल रहा था, अब हम इनका हेयर का ट्रीटमेंट चल रहा है, अब आगे चल के हम इनको हेयर के भी रिजल्ट आपको डालेंगे। अपने पास ऐसा नहीं है कोई फर्जी काम कि फोटो बना के डाल रहे हो, फोटो एडिट करके डाल रहे हो, किसी दूसरे की फोटो डाल रहे हो, रिजल्ट किसी दूसरे को डाल रहे हो, ऐसा नहीं है। जिसकी फोटो डालता हूँ उसकी पूरी चैटिंग भी डालता हूँ, बाकायदा उनका पूरा स्क्रीनशॉट लेता हूँ, और एक एक पेशेंट का रिकॉर्ड भी रखता हूँ मेरे पास कि किसकी मैंने फोटो डाली है और किसके कहाँ पर कितना रिस्पॉन्स है। तो अपने पास ऐसा कुछ भी नहीं है, हेयर का भी डालता हूँ तो हेयर के भी पूरे एग्जैक्ट रिजल्ट रहते हैं, पूरी चैटिंग रहती है, और पूरा उनकी हमारे पास रिकॉर्ड रहते हैं कि हाँ इसका हम बाल उगाए हैं, इसका बालों में कैसा कैसा रिजल्ट मिला है। अब कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि ट्रीटमेंट एक दो महीने करते हैं, छोड़ देते हैं, बोलते हैं उनको फायदा नहीं हुआ, तो उनको मैं ट्रीटमेंट करना नहीं बोलता हूँ, केवल ये बोलूंगा कि उन्होंने टाइम पास किया और मेरा टाइम बर्बाद किया। हालांकि अब तो मैं इलाज देने के लिए मना भी कर देता हूँ, सबको इलाज नहीं देता हूँ। कोई अगर मुझे थोड़ा भी ऐसे चैटिंग में लगता है कि ये सीरियस नहीं है या बात प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है तो मैं इलाज देता ही नहीं हूँ, या इलाज दे दिया और वो बदमाशी कर रहा है तो मैं अगली डोज उसको देता ही नहीं हूँ, मना कर देता हूँ कि आपको डोज मैं नहीं दे पाऊंगा। तो आप लोग भी सीरियस होकर इलाज करें, लाइकोमा जैसी प्रॉब्लम आसानी से ठीक नहीं होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरा दिमाग उसमें लगाना पड़ता है, खान पान पर दिमाग लगाना पड़ता है और वर्कआउट पर दिमाग लगाना पड़ता है, रेगुलर मुझसे बात भी करनी होती है और थोड़ा लंबा समय लगता है, तो अच्छे से आप करें। तो प्रदीप जी थोड़ा कुछ और बताइए, क्या बोलना चाहेंगे आप लाइकोमा के बारे में, आपने क्या एक्सपीरियंस लिया लाइकोमा को लेके? पहली बात सर जी कि हमने पहले आप जो वीडियो देखा ना सर, आप पहले आप तो सर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने अपनी लाइकोमा मेरा खुद को लाइकोमा था जी जी, तो आपसे बढ़िया डॉक्टर कोई नहीं है मेरे नजर में। अब जो ठीक किया है तो वो तो जानेगा ना पूरा जानकारी क्या होता है कैसे। लाइकोमा के लिए सर आपसे बढ़िया मेरे नजर में कोई डॉक्टर नहीं सर जी जी जी। और बात रहा की सर की थोड़ा टाइम दो, आराम से हवा में जैसे जैसे निकला वैसे धीरे धीरे खत्म। और सबसे बड़ी बात प्रदीप जी, अपन तो ठीक भी करते हैं, सर्जरी भी करते हैं, अपन के पास सब ऑप्शन है, इंसानों के पास जुड़ने की दिक्कत है। वो ऐसा भी नहीं है कि सर्जरी हर किसी की करते हैं, सर्जरी तब करते हैं जब भैया दवा से आपका ठीक नहीं हो रहा है या एक आध दो बच गया है या बॉडी के ठीक हो गए, हाथों के ठीक नहीं हो रहे हैं तो हम हाथों के निकाल दिए। उसमें सर्जरी के लिए हम कभी कंसल्ट नहीं करते किसी को कि सर्जरी करवाओ, क्यों? सर्जरी आप करा दोगे तो नया लाइकोमा कैसे रोकोगे? नया नया तो आएगा ही, और फिर कब तक? एक बार करवा लिए, दो बार करवा लिए, भाई जिंदगी भर सर्जरी थोड़ी ना करवाओगे आप। तो पहले लाइकोमा को रोकना बहुत जरूरी होता है, कुछ परसेंट ठीक कर लो, दवा से पूरा ठीक कर लो, नहीं ठीक हो पा रहा या एक आध रह गया है उसको आपने करवा लो सर्जरी से। तो अपन सर्जरी भी करते हैं, बिना स्टिच वाली सर्जरी करते हैं कि उसमें निशान भी नहीं आते, पता भी नहीं चलता कि सर्जरी हुई है। अपने पास हर चीज़ है, डॉक्टर्स भी हैं, अच्छा ट्रीटमेंट भी है, तो अपन मतलब सब उपाय है। और लाइकोमा में ऐसा कोई रिसर्च नहीं बचा है प्रदीप जी जो मैंने नहीं किया हो, दुनिया की हर दवा पर मैंने रिसर्च किया, आयुर्वेद पे, होम्योपैथी पे, इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे, एलोपैथी पे, हर पैथी में मैंने लाइकोमा पर रिसर्च किया है, और जो बेस्ट अपने पास है उसको अपन पेशेंट को देते हैं, वो बेस्ट करवाते हैं, इसलिए देख रेख में इलाज करवाता हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से बात हो पाए और पेशेंट को समझ में आ पाए कि हाँ कैसे क्या करना है। तो उसी तरीके से देखो आप ही किए, आपकी तरह और भी लोग, सभी लोग करते हैं, रेगुलर बात करते हैं और रेगुलर सब लोग अच्छे से करते हैं, और अधिकतर लोग अब तो समझने लग गए हैं। स्टार्टिंग में तो लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते थे
अंडा भी छोड़ दो, पराठा भी छोड़ दो, पूड़ी भी छोड़ दो और फास्ट फूड भी छोड़ दो, तो क्या घास खाने लग जाओ क्या? ऐसा बोलते थे लोग। नहीं अब तो लेकिन समझने लग गए हैं कि हाँ, लाइपोमा हमारा वास्तव में नहीं रुक पा रहा, ना ठीक हो पा रहा, अब हमको छोड़ना पड़ेगा। तो अब पेशेंट लोग ऐसे उल्टे सीधे कमेंट नहीं करते हैं और बात करते हैं, पूछते हैं अच्छे से। क्योंकि अगर लाइपोमा खत्म करना है तो नॉनवेज छोड़ना ही पड़ेगा, नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सर जितनी हार्ड गर्म दवाई है गर्म अब दवाई तो है। मुद्दे से वो खा रहे तो फिर असर नहीं करेगा सर जी। हाँ देखो, दवा भी हैवी होती है। दवा आपकी बॉडी में काम कर रही है, फैट को गला रही है, आपके ट्यूमर को गला रही है, और आप हाई प्रोटीन ले रहे हो, ऊपर से हैवी खाना खा रहे हो, तो दवा भी नुकसान कर सकती है। कभी भी आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ ज्यादा मसाले वाली चीजें, नॉन वेज, पूरी पराठा खाया ही नहीं जाता है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयां अपने आप में ही हैवी होती हाँ हैं। सर जी, और जो पेशेंट आयुर्वेद में नॉनवेज भी खाएगा या रात को नहीं सोएगा मान लो, और खाली पेट रहेगा, तो उसको प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, या उसको लाइपोमा ठीक भी नहीं हो सकता है, या बोलेगा हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। तो हम पहले से बोलते हैं कि देख रेख में इलाज करो। कई लोग कैसे होते हैं कि हम ज्यादा रनिंग करेंगे, ज्यादा फास्ट करेंगे, कम खाना खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है दोस्तों, फास्ट करेंगे आप और आयुर्वेदिक दवाइयां खाएंगे तो दवाइयां नुकसान करेंगी। अगर आप कम खाना खाओगे तो बहुत तेजी से वीक हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, पतले हो जाओगे, वर्कआउट नहीं कर पाओगे, इलाज लंबा नहीं कर पाओगे। तो आपको खाना भी अच्छे से खाना है, दवाई भी लिमिटेशन में रहना है, फास्ट नहीं करना है, रनिंग बहुत ज्यादा नहीं करना है। कई लोग सोचते हैं कि हम रनिंग 10 किलोमीटर का, एक हमारे पास एक फौजी मैसेज किया, बोलता है सर मैं पर डे 10 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, मेरा लाइपोमा ठीक नहीं हो रहा। तो मैंने कहा रनिंग अकेले से केवल आप पतले हो सकते हो, लेकिन लाइपोमा ठीक नहीं हो सकता। आपका जो गुड फैट है, सॉफ्ट फैट है, वो कम हो जाएगा, लेकिन लाइपोमा ठीक नहीं होगा। लाइपोमा का जो ट्यूमर है, जो फैट है, वो बहुत हार्ड होता है, उसको ठीक करने के लिए दवा आपको चाहिए ही है, जो आपके बॉडी का वायु को हटाए, बात को हटाए, कफ को कम करे, और आपके जो हार्ड ट्यूमर हो गया है उसको सॉफ्ट करे, और आपका बॉडी सिस्टम सुधार के आपका नया लाइपोमा होना बंद कर दे। अब मार्केट में क्या है, लोग गांठ की दवाई देते हैं, हम तो गांठ की दवाई देते नहीं, हम तो लीवर पे काम करते हैं। जो भी मैं लाइपोमा की दवा देता हूँ, मैं लीवर की दवाइयां देता हूँ कि लीवर सुधरेगा, बॉडी सिस्टम सुधरेगा, तो लाइपोमा ठीक होगा। तो वो उन सब दवाइयों से लाइपोमा में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो उस तरह से वो ठीक हो जाता है। अब जिसमें हमने कुछ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की भी दवा देते हैं साथ में लाइपोमा की दवा में, तो वो भी अच्छा, बहुत अच्छा काम करती है, तो हमने उन चीज़ों को ऐड किया। कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं दर्द वाले होते हैं, तो उसमें हम लगाने वाली भी दवाइयाँ देते हैं। लाइपोमा में दर्द नहीं होता, लेकिन कुछ ट्यूमर ऐसे भी होते हैं जिनमें दर्द होता है। अब न्यूरो फाइब्रोमा तो लाइपोमा से भी ज़्यादा स्ट्रेट बीमारी है, वो तो हम दुआ करते हैं भगवान किसी को ना हो, क्योंकि वो ऐसी बीमारी है, देखने में बहुत गंदी लगती है, और इलाज करने में बेचारे पेशेंट को मिर्च मसाला तक बंद करना पड़ता है, केवल नमक वाली खाना खाता है पेशेंट, तो लंबा तक समय तक ये सब खाना बड़ा मुश्किल होता है। और बहुत से पेशेंट ऐसे हैं कि उनको समझा समझा के हम थक गए हैं कि न्यूरो फाइब्रोमा को पुराना मत करो, इलाज जल्दी लो, वो पुरानी बीमारी कर लेते हैं, 2 साल बाद मुझे मैसेज करते हैं, फिर मैं उनको मना कर देता हूँ कि अब आपका ये ठीक नहीं हो पाएगा, तो बदले में मुझे गालियां देने लगते हैं कि तुम कैसे डॉक्टर हो, पहले बोल रहे थे इलाज ठीक हो जाएगा, आप बोल रहे हो कि ठीक नहीं हो पाएगा। अजीब अजीब बात करते हैं, कि बोलते हैं बहुत ईगोस्टिक हो आप, या आपको कुछ नहीं आता है, उल्टे सीधे बात करें, मतलब उनको इलाज नहीं दिया तो वो फिर बदतमीजी करने लगते हैं। तो पहले आप समझिए कि सब चीज़ों का इलाज कब होता है, कैसे होता है, तब जाके इलाज होता है। ऐसा नहीं है कि मैं पैसा कमाने के लिए आपको दवा दे दिया और आप जानो आपका काम जाने, ऐसा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे जुड़े हो तो हमेशा के लिए जुड़े रहो, और हमेशा के लिए उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के मैं आपका ट्रीटमेंट करूं, कि हाँ आपको ऐसा ना लगे कि हाँ मैं किसी से इलाज ले रहा हूं तो वो डॉक्टर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। तो इस तरह से अपन ईमानदारी से बात करके इलाज करते हैं, ताकि सामने वाला उम्मीद ना करे कि 2 महीने में ठीक हो जाएगा, 3 महीने में ठीक हो जाएगा। अपन बताते हैं कि 2 से 2.5 साल के आसपास इसको लग सकता है, और ज्यादा पुराना हुआ तो और ज्यादा भी समय लग सकता है। तो लाइपोमा को पेशेंस रखना पड़ता है और मेहनत भी करनी होती है, और शुरू शुरू में पतले होते हैं, बाद में अच्छे डाइट करवा देते हैं, पनीर ऐड करवा देते हैं, सोयाबीन भी ऐड करवा देते हैं, मिठाइयाँ भी ऐड करवा देते हैं, दूध रोटी भी ऐड करवा देते हैं, तो फिर पतलापन नहीं आता है, फिर आप धीरे धीरे ठीक होने लगते हो, बॉडी भी आपकी ठीक हो जाती है। स्टार्टिंग में इसलिए करवाते हैं ताकि दवा काम करने लग जाए, अच्छे से रिस्पॉन्स मिलने लग जाए। एक बार दवा काम करने लग गई, फिर आप खाना बहुत ज़्यादा भी खाओगे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन स्टार्टिंग में करना होता है। तो प्रदीप जी बहुत अच्छा लगा आप आए, आपने समय निकाला हमारे लिए, हमसे मिलने आए, अपना भी काम हो गया, आपके साथ वीडियो भी बन गया बढ़िया, और दूसरों को सलाह भी मिलेगी इससे क्या कैसा है, तो बढ़िया रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ आप बोलना चाहें तो बोलिए, लाइपोमा पेशेंट को किस
किन-किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या करें, आप अपनी तरफ से जो बोलना चाहें। क्योंकि ऐसे भी बहुत से लोग हैं, मैं आपका वीडियो डालूंगा तो बोलेंगे प्रदीप जी का नंबर दे दो मुझे, तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? जो भी लाइकोमा का सर से ट्रीटमेंट ले रहा है, पहली बात कि जो सर बोले वो फॉलो करो कि ये नहीं खाना है तो नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है तो नहीं खाना, फास्ट फूड नहीं खाना तो नहीं खाना है। एक एक टाइम आया कि तुम लंबे समय के बाद तुम्हारा खाने की इच्छा नहीं करेगा सर, जैसे हमारी इच्छा नहीं करती है सर, नहीं करता है। हम कभी समोसा मैदे वाले जैसे भी चीज खाने की इच्छा नहीं करते, मेरा भी ऐसा है, मेरा मन ही नहीं करता है। और रह गई बात कि जब लंबे समय तक खाओगे तो हम सर ताकत के लिए तो सर पनीर खिला ही रहे हैं, पनीर खिला रहे हैं, ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, जिस वजह से हमें एनर्जी मिल ही रही है सर जी, घी खा रहे हैं, घी खा ही रहे हैं, दही भी खा रहे हैं, तो फिर मिठाई भी खा रहे हैं, जरूरत नहीं है, फिर जरूरत है सर जी, जो ताकत जो जो खाना आपको मिल ही रहा है आप जो ऐड करवा दिए हैं जी जी, यही बात है। लाइकोमा सबसे बड़ी चीज है कि आपको जो सर बात बोलते हैं वो फॉलो करो और सर से रेगुलर बात करो। देखो हम 7 दिन पर सर से बात करते हैं, क्योंकि सर बता देते ना कि एक बार बॉडी का फोटो भेजता हूँ, सर बॉडी ऐसी हो गई, बोलते हैं कि थोड़ा डाइट ऐड कर लो, इसको बढ़ा लो, बताओ कि नहीं कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है बॉडी में, क्या चेंजेस आ रहा है, तो मैं आपको क्या बता पाऊंगा जब मुझे पता ही नहीं है कि आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, और मुझे 3 महीने बाद मैसेज कर रहे हो, तो मुझे मैं कैसे समझ पाऊंगा कि मुझे क्या चेंज करवाना है? आपका डाइट बढ़वानी है कि डाइट कम करवानी है, दवा का डोज बढ़वाना है कि कम करवाना, मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपका क्या करवाना? ना आपने बॉडी की फोटो भेजी मुझे, ना आपने दवाई का डोज बताया, ना डाइट के बारे में बताया, तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि आप क्या कर रहे हो? तो वो सब मुझे पता हो कि आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रही है, लाइकोमा में असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो मैं आपको कुछ करवाऊंगा, हो रहा है तो मैं और बेहतर क्या करवा सकता हूं वो बताऊंगा। इसलिए रेगुलर अपडेट करें, रेगुलर टच में रह के ट्रीटमेंट करें, और कभी भी झूठ ना बोलें कि खा रहे हो अंडे और बता रहे हो कि दाल चावल खा रहे हो, ऐसा काम कभी ना करें। ऐसे करने सर हम अपने को धोखा दे, खुद को धोखा देना ही है, और बाद में बोलेंगे सर दवा काम नहीं कर रही है। हाँ देखो मेरे पास तो ऐसा है, कोई आदमी मान लो 4 महीने इलाज किया और वो बोलेगा कि सर मुझे बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, तो मैं उससे यही बोलूंगा कि सर किसी दूसरे डॉक्टर को ढूंढो, मेरी दवा आपके ऊपर काम नहीं कर पा रही है। मैं उसे ये कभी नहीं बोलूंगा कि अगली दवा मैं आपको और अच्छी दूंगा, अगली बार मैं और अच्छा कुछ करूंगा, नहीं, मुझे पता है मेरी दवा 1 से 2 महीने में रिस्पॉन्स करने लगती है, वैसे तो 15 दिन में करने लगती है, लेकिन फिर भी क्या हो, कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि स्किन पतली हो रही है, लाइकोमा सॉफ्ट हो रहा है, समझ नहीं पाते बहुत से लोग, तो हम 1 महीने से 1.5 महीने बोलते हैं। अगर 1-1.5 महीने तो छोड़ो, अगर कोई आदमी 4 महीने में भी ये बोल रहा है कि हमको रिस्पॉन्स नहीं है, फायदा नहीं है, तो मैं यही बोलूंगा सर जी आप और कहीं देख लो और कहीं इलाज कराओ, क्योंकि तो मुझे पता है कि 1 महीने में क्या रिस्पॉन्स आता है, 2 महीने में क्या रिस्पॉन्स आता है, 3 महीने में क्या बोलती है बॉडी, 5 महीने में क्या बोलती है बॉडी मेरी दवा से। इसलिए आप झूठ बोलोगे भी ना तो भी मुझे पता चल जाएगा कि आपने गलत किया है कि सही किया है, आपने वर्कआउट सही तरह से किया है, डाइट सही तरह से की है, मेडिसिन ली है, मुझे सब पता चल जाएगा। लेकिन झूठ बोल के मैं इलाज नहीं दूंगा, क्योंकि देखो मेरा भी नाम खराब होगा, आपका पैसा खराब होगा, बाद में आप बोलोगे कि मुझे फायदा नहीं हुआ था, इससे अच्छा यही है कि इलाज बंद कर दो, आपसे भैया पैसा बर्बाद ना हो आपका, और किसी दूसरे डॉक्टर के पास ट्राई करने दो, 10 डॉक्टरों के चक्कर लगाओगे, डॉक्टर सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, समय नहीं देगा, तब समझ में आएगा वो कि हाँ भाई कौन डॉक्टर कैसा था और कौन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देता था। कई बार तो ऐसे भी लोग होते हैं, उनको बोल रहा हूं मैं रात को मत जागो, एसिडिटी होगी, पेट में गैस बनेगी, दवा नुकसान करेगी, लेकिन रात भर जाग रहे हैं। मैं उनसे बोल रहा हूँ रात को जाग रहे हो तो दवा मत लो उस दिन, जब आपकी दिन ड्यूटी रहेगी तब दवा ले रहा, लेकिन वो रात में जाग भी रहे हैं दवा भी ले रहे हैं, फिर उनको एसिडिटी होने लगती है, गैस होने लगती है, बोलते हैं दवा साइड इफेक्ट कर रही है। अब गलती बताइए आप किसकी है, कोई भी मेडिसिन हो आप रात को जागोगे बॉडी में एसिडिटी बनेगी, आप गलत दवाइयाँ दवा कुछ भी खाओ, लेकिन रात को अगर जाग रहे हो तो दवाइयाँ नुकसान करती है, नॉर्मली भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, व्यक्ति का बॉडी बिगड़ने लगता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, बॉडी लेजी होने लगती है, बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है, इसलिए रात को जागना भी सही नहीं होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला वाला खाना खाते हैं और फिर बोलते हैं कि सर हमको दिक्कत हो रही है, हमको ज़्यादा हैवीनेस लग रहा है, हमको भूख नहीं लग रही है। भाई कैसे भूख लगेगी जब आप मिर्च मसाला वाला खाना खा रहे हो और दवाई भी खा रहे हो? आयुर्वेदिक दवाई क्या है दोस्तों? आयुर्वेदिक दवाई वही है जो आपकी किचन में है। आप धनिया लेते हो, हरी मिर्च लेते हो, दालचीनी लेते हो, काली मिर्च लेते हो, ये भी एक जड़ी बूटी ही है दोस्तों। ऑलरेडी आप जड़ी बूटियां डाल रहे हो, फिर मेरी भी जड़ी बूटियां डाल रहे हो, तो गैस तो बनेगी ना दोस्तों। तो इन सब चीजों को समझो, ज्यादा हैवी खाना नहीं खाना है। आयुर्वेदिक दवाइयों में रात को नहीं जागना है, नींद पूरी करना है,
कई बच्चे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम 4-5 घंटे सोएंगे, बाकी हम सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, बढ़िया दौड़ लगाएंगे 2 घंटे, हम अपना लाइपोमा ठीक कर लेंगे। ये भी नहीं है दोस्तों, गलत है, ऐसा नहीं करना है। नींद आपको 7 से 8 घंटे की करना है। बहुत ज्यादा बिजी है तो 7 घंटे कर लो, नहीं तो 8 घंटे करो बॉडी की नींद पूरी, तभी आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। तो लाइपोमा का इलाज करने के लिए, आयुर्वेद का इलाज करने के लिए इन चीजों को फॉलो करना है दोस्तों, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होती है, आपको इलाज समझ में नहीं आएगा।